नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं ये वीडियो अपने 3 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस पे बना रहा हूँ। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सीटी, एमआरआई या फिर एक्सरे के लिए आपको डॉक्टर बोलते हैं, तो आप जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको पता नहीं रहता कि कैसे जाना है और कब जाना है, क्या खा के जाना है, कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर किया हूँ, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी इत्यादि प्रकार की जांचें होती हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जांच कराने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास डॉक्टर का एक पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। जिस भी पार्ट का आप जांच कराने जा रहे हैं उस पर्चे में लिखा होना चाहिए, जैसे कि आपके सर में दर्द है और आप सर का जांच कराने जा रहे हैं, या अगर आपको सीटी स्कैन कराना है तो आपके डॉक्टर के पर्चे में एनसीसीटी हेड या सीसीटी हेड, या अगर आप एमआरआई कराने जा रहे हैं तो एमआरआई ब्रेन, या फिर आप एक्सरे कराने जा रहे हो तो एक्सरे जिस भी पार्ट का लिखा होना चाहिए, जिस भी पार्ट का आपको एक्सरे कराना है उस पार्ट के बारे में लिखा होना चाहिए। जैसे कि आपको हैंड का एक्सरे कराना है तो हैंड एक्सरे एपिलेटरल ऐसे लिखा होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप खुद से जाके बिना डॉक्टर को दिखाए जांच कराने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको आपके शरीर के बारे में यानी आपको किस कौन सा बॉडी पार्ट किस बीमारी से कनेक्टेड है, या कौन सा बीमारी में आपको कौन सा भाग जो है अफेक्टेड है, ये आपको पता नहीं होता। इसलिए आप पहले डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि कौन सा जांच कराना आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका सर भारी है कई दिनों से और सर में दर्द हो रहा है, तो ये आपको जैसे कि आपको लगेगा कि सीटी हेड कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए हेड का। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो पैरानेजल साइनस की वजह से हो, तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको सीटी हेड कराना है या सीटी स्कैन पीएनएस कराना है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। तो आप खुद से अपनी जांच न करवाएं, डॉक्टर से पहले मिलें, उसके बाद से ही कोई जांच अगर डॉक्टर लिखते हैं तो वो कराएं, अन्यथा अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जांच के बिना ही दवा लेकर खा सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। जब भी आप जांच कराने जाएं तो जो भी आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आप जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको भीड़ से बच सकते हैं, आप के लिए जो भी अलॉटेड डॉक्टर या स्टाफ टेक्नीशियन जो भी आपके जांच के लिए अलॉटेड होंगे वो उसी टाइम पे अवेलेबल होंगे। अगर आप दूसरे टाइम पे जाते हैं तो हो सकता है कि वो स्टाफ डॉक्टर अब्सेंट हो या उस टाइम पे किसी और जगह चले गए हों, तो इससे बचने के लिए आपको जो भी टाइम दिया जाता है उसी टाइम पे पहुँचे। जैसे कि बहुत सी जो पेट की जाँच होती है वो मॉर्निंग टाइम में किया जाता है, और बहुत सी जाँचें जो होती है वो इवनिंग में बुलाया जाता है। अपने जो भी डिपार्टमेंट के स्टाफ जो होते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट करते हैं, उसी टाइम पे बुलाते हैं और उसी टाइम पे जाना चाहिए। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी आप कपड़े पहन के जाते हैं उससे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए आप सिंपल कपड़े पहन के जाएं और बिना बटन, जैसे कि आप जैकेट है उसमें बैजेस होते हैं, बटन्स होते हैं बड़े बड़े बटन्स, तो वैसे कपड़े आप ना पहन के जाएं। ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिसमें कि मेटेलिक बटन ना हो और ज़्यादा जिप वगैरह ना हो और बैजेस भी ना हो, बिल्कुल सिंपल क्लॉथ पहन के जाइए, ताकि आपको पेशेंट टेबल पे आपको काफ़ी देर तक लेटना रहता है। कुछ जाँचें होती है जिसमें आधा घंटा, 1-1 घंटे तक लेटना पड़ता है, तो आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहन के जाएं जिसमें बटन बैजेस हों, वो आपको चुभेंगे तो आप मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, इससे आपकी जाँच ख़राब हो सकती है। इसीलिए आप बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाएँ। बहुत सारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आप वहाँ अगर हॉस्पिटल गाउन मिलता है तो हॉस्पिटल गाउन में आप चेंज हो जाएं, या आप वो कपड़े जो होते हैं वो बहुत सारे मरीज पहन के रख चुके होते हैं या फिर चेंज किए रहते हैं, तो आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप अगर आपके पास ढीले कपड़े हों तो आप अपने कपड़े साथ लेके जाएं। अगर आप हॉस्पिटल पहुँच गए और आपके पास आप पर्स है, मोबाइल है, आपके जेब में कॉइन्स हैं, सिक्के हैं और एटीएम है, जो भी मेटेलिक कार्ड या जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप पहले ही निकाल कर
अपने साथ वालों को दे दें या जो भी वहाँ पे स्टाफ हैं काम कर रहे हैं आपके जो भी जांच करने वाले हैं तो उनको आप ये बता दें कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और इसको आप कहीं सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। अगर आपके पास जेब में कोई भी मेटेलिक चीज़ें आ जाती हैं तो उससे क्या होगा कि अगर आप MRI कराने जा रहे हैं तो उसमें हाई पावर का मैग्नेट यूज होता है जो जिससे कि आपको इंजरी हो सकती है। अगर मेटेलिक क्वाइन है या जो भी है तो वो बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचता है जिससे कि आपके साथ में जो भी स्टाफ है उनको चोट लग सकता है, आपको लग सकता है और मशीन ख़राब हो सकती है। अगर आप CT स्कैन कराने जा रहे हैं उसमें मैग्नेट नहीं होता है, फिर भी अगर आप उसमें मेटेलिक कॉइन या मेटेलिक चीज़ें अगर लेके जाते हैं तो आपकी जो जांच है वो डिग्रेड हो सकता है, इमेज क्वालिटी ख़राब हो सकती है जिससे कि आपके जो जांच है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और जो भी बीमारी है वो पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए आप जो भी मेटेलिक कॉइन, मोबाइल फ़ोन, ईयर रिंग्स, जितने भी मेटेलिक चीज़ें होती हैं वो निकाल दें पहले ही, जाने से पहले। NPO ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। NPO का मतलब होता है नथिंग पर ओरल या नथिंग बाई माउथ, मतलब कि आपको कुछ भी खा के नहीं जाना है, खा के और पी के नहीं जाना है। यानी कि अगर आपके डॉक्टर के पर्चे पे लिखा है कि NPO उस कंडीशन में रिक्वायर होता है जैसे कि आप पेट का जांच कराने जा रहे हैं तो उसमें खाली पेट ही जाना चाहिए, या अगर आपका CT स्कैन या MRI कराने जाना है और उसमें कॉन्ट्रास्ट सजेस्टेड है तो उसके लिए आपको खाली पेट जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये पहले ही पूछ लें डॉक्टर से कि खाली पेट जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप दूर से आ रहे हैं और आप बहुत दूर से आ रहे हैं, हॉस्पिटल जाना है आपको और आपको पता चले वहाँ हॉस्पिटल जाके कि खाली पेट आना था तो फिर आपको वापस लौटना पड़ सकता है। और अगर आप जाँच करा भी लेते हैं तो उस जाँच की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि NPO के बाद होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें और जो भी कुछ खाना पीना है तो वहाँ के स्टाफ से पूछ कर ही खाएं। थोड़े देर के लिए आप बिल्कुल उनका जो भी गाइडलाइन है वो फॉलो करें। प्रेग्नेंट लेडी का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं होता है और ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि अगर आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं बिना अनुमति के तो आपके पेट में जो भी बेबी है उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें और डिपार्टमेंट के बाहर ही आपको कई जगह वार्निंग स्टिकर या वार्निंग बैनर लगा मिल जाएगा कि प्रेग्नेंट लेडी नॉट अलाउड या गर्भवती महिला अंदर जाने से रोकें, इस तरह का आपको बैनर मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके प्रेग्नेंट लेडी का ही CT स्कैन कराना है या MRI कराना है तो ये बात बिल्कुल आप स्टाफ को बता दें ताकि स्टाफ जो है वहाँ का आपको रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए जो भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेगा। और पहले बताने से यही फायदा है आपको, ये बात बिल्कुल ज़रूर ध्यान दे के आप उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट रिलेटेड डायग्नोसिस, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी जांच कराने जा रहे हैं उसके बारे में आपको स्टाफ, डॉक्टर या जो भी वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो भी मेडिकल स्टाफ वर्किंग में है उनको आप अपने बीमारी के बारे में सारी चीज़ें बताएं, बिल्कुल छुपाएं नहीं कोई भी चीज़ें। जैसे कि आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आपको CCT एब्डोमन या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या MRI कराने जाना है तो आपको पूरी जानकारी देनी होगी कि जैसे कि आपको कब से दर्द हो रहा है, कब से प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, अल्कोहलिक है या नहीं है, इस जांच से पहले कोई जांच हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के स्टाफ को बताना ज़रूरी है। वो पूछें तो पूरी बात आप उनको ज़रूर बताएं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने पुरानी मेडिकल हिस्ट्री होती है वो बताते नहीं है, इससे आपके जांच क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता और रिपोर्ट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, रिपोर्ट उल्टा बन सकता है। तो इसलिए आप जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर या स्टाफ या जो भी मेडिकल स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ज़रूर बता दें। प्री मेडिकेशन यानी कि पहले से ही आप दवा ले लें
जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए पहले से ही आप प्रिपेयर हों और उसका दवा आप पहले से ले चुके हों। जैसे कि आप सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे कराने जा रहे हैं, अगर आपको कमर में दर्द है और आपका एमआरआई एलएसी स्पाइन कराना है आपको, और आपको पेशेंट टेबल पे लगभग आधे घंटे तक लेटना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही जो भी पेन किलर यूज करते हैं उसको आप लेके कम से कम 30 मिनट के पहले आप पेन किलर ले लें। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसको आप स्टाफ को बता दें और स्टाफ आपको पहले से ही कोई दवा दे देगा जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप पेशेंट टेबल पर लेटे रहेंगे और मूवमेंट करेंगे, आपको पेन होगा या आपको कोई रिएक्शन हो गया, तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं और टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसके लिए आपको पहले से ही जो भी आपके दवा चलते हैं वो आप दवा लेके आएं या आप स्टाफ को ज़रूर बता दें। अगर क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट है उसको आप स्टाफ को बता दें कि ये क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट है, पेशेंट के साथ में है तो, या एनिस्थीसिया देके उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी प्री मेडिकेशन होता है वो वहाँ के स्टाफ को ज़रूर बता दें। प्रोवाइड ओल्ड रिपोर्ट, यानी कि आपके इस जांच से पहले कोई भी जांच हुआ हो तो उसका रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट कर दें या डॉक्टर के मांगने पर डॉक्टर को दिखा दें, इससे आपके जो जांच क्वालिटी है उसको सुधारा जा सकता है। पहले से जो प्रक्रिया हो चुकी है उसको दोबारा रिपीट न करने पड़े, या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम पहले था और अभी के जांच में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका कंपेयर करने के लिए पुराने रिपोर्ट की बहुत ज़रूरी पड़ती है, तो वो आप बिल्कुल वहाँ पर दे दें। यानी कि जब भी आप जांच कराने जा रहे हैं और आपकी जांच स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी टेक्नीशियन, जो भी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर आपकी जांच कर रहे हैं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करें। जो भी आपको सांस रोकने, सांस लेने या दवा निकलने का जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, बिल्कुल शांत रहें और घबराएं नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस जानकारी को उन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।